पांच राज्यों के तकरीबन 900 पर्यवेक्षक हुए शामिल, आचार संहिता लागू करने पर आया बड़ा अपडेट। चुनाव आयोग ने की समीक्षा, मप्र समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की कभी भी हो सकती है घोषणा। बैठक में पांच राज्यों के तकरीबन 900 पर्यवेक्षक शामिल हुए। आयोग ने पांचों राज्यों में चुनावी तैयारियों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव की घोषणा एक दो दिनों में हो सकती है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बाबत मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बैठक की। इस बैठक में दोनों चुनाव आयुक्त और पांच राज्यों के तकरीबन 900 पर्यवेक्षक शामिल हुए। इसके साथ ही चुनाव से संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। आयोग ने इन पांचों राज्यों में चुनावी तैयारियों को पूरा कर लिया है। बैठक में आयोग द्वारा पांचों राज्यों के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के आचार संहिता को सख्ती से लागू पर किया विचार। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ हुई बैठक के बाद इन पांचों राज्यों में चुनाव की समक्ष चुनावी तैयारियों से संबंधित अपनी रिपोर्ट पेश की। तारीख की घोषणा इस सप्ताह के आखिर में या सोमवार को हो सकती है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार बैठक में मतदाता सूची तैयार होने, पुलिस व्यवस्था, अर्धसैनिक बलों की तैनाती समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। निष्पक्ष और साफ सुथरे ढंग से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने, धनबल और बाहुबल पर लगाम कसने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी को होगा खत्म। बता दें, मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी को पूरा हो रहा है। राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी को पूरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। वहीं 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इसी तरह 40 सीटों वाली मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 को पूरा हो रहा है।